कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल खुलने की सभी संभावनाओं पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विराम लगा दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय जब कोरोना की तीसरी लहर चल रही है उस समय स्कूल खोलना यानी बच्चों की कोरोना संक्रमण में खतरे में ढकेलना है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी स्कूल खोलने का सही समय नहीं है, अभिभावक भी अपने बच्चों के जीवन के साथ कोई रिस्क नहीं चाहते हैं, इसलिए वर्तमान स्कूल खोलने का रिस्क न हम लेना चाहेंगे न ही अभिभावक। बताते चले दिल्ली में मार्च से स्कूल बंद है। हालांकि केंद्र ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी दी है, मगर जिस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में सरकार फिलहाल कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हमें मदद मिल रही है, हम एक टीम के रूप में काम करके कोरोना से लड़ रहे हैं। उन्होंने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि पराली की वजह से दिल्ली में कोरोना मरीजों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली में पर्याप्त संख्या में बेड है, सरकार संक्रमण रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।